अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इस्मा असलम। फिनिक्स वॉश में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम लाए हैं आपके लिए चैलेंज सीरीज की एक और एपिसोड, और आज जिस कस्टमर के साथ हम मौजूद हैं उनका नाम है मोहम्मद हसन। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। हसन, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपको फिनिक्स वॉश के बारे में कैसे पता चला? ये मुझे फिनिक्स वॉश का सोशल मीडिया के थ्रू पता चला था। ठीक है जी, हसन ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू हमारा पता चला। अच्छा, नॉर्मली आप जो कार सर्विस स्टेशन होते हैं वहाँ से अपनी गाड़ी को ज़्यादा साफ कराते होंगे, हमारी सर्विस आप फर्स्ट टाइम इंक्वायर कर रहे हैं? जी, फर्स्ट टाइम इंक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, चैलेंज क्या है आज हमारा? चैलेंज ये है कि मुझे अपनी गाड़ी शोरूम लुक में चाहिए वापस, शाइन और इंटीरियर एक्सटीरियर सारा साफ चाहिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक यूज़ हुई है जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ ज़रा आप लोग काम कर देंगे। ठीक है जी, हमें हसन ने बताया कि उनकी गाड़ी जो है वो काफ़ी रफली यूज़ हुई है। चैलेंज हमारा ये है कि गाड़ी को हमने ब्रांड न्यू कंडीशन में लेके आना है, तो हम पहले गाड़ी की एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि उसकी अभी कंडीशन क्या है, ताकि हमें पता चले कि हम बाद में चैलेंज जब पूरा कर चुके हों तो उस वक्त कंडीशन क्या हो। तो आइए फिर देख लेते हैं। गाड़ी के इंजन की कंडीशन को अगर हम देखें तो इस पर हमारे बॉडीज़ को काफ़ी स्किल्स दिखानी होगी, क्योंकि मट्टी जो है वो काफ़ी हद तक जम चुकी है इस साइड पे अगर मैं देखूं, और अगर मैं इस साइड की तरफ आ जाऊं तो ये जो बैटरी है, जो टर्मिनल्स हैं उस पर भी हमें वाइट कलर का कुछ, शायद ये रस्ट ही है, इट्स इन वाइट इन कलर। तो ये जो रस्ट है इसको साफ़ करने के लिए, और ये जो मट्टी है इसको साफ़ करने के लिए फिनिक्स के पास ऐसे स्पेशल डिक्रीजर्स हैं जो इसको बिल्कुल साफ़ कर देंगे। इसकी कंडीशन अगर आप बाद में देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि बिल्कुल नई जैसी लग रही है। ठीक है हसन, हम अब गाड़ी के इंटीरियर पे एक नज़र दौड़ा लेते हैं और देखते हैं कि गाड़ी के अंदर, क्योंकि सीट्स इस वक्त हमारे वॉरियर्स ने रिमूव कर दी हैं, तो कैसी लग रही है आपकी कंडीशन? अभी तो कंडीशन काफ़ी रफ है, गंद पड़ा हुआ है और क्या कहते हैं चीज़ें पड़ी हुई हैं अभी। हाँ बिल्कुल, नज़र आ रहे हैं टिश्यूज़ के कुछ और कुछ रैपर्स गिरे हुए हैं, कुछ फूड गिरा हुआ है यहाँ पे। ज़ाहिर आप जब बच्चों के साथ जाते होंगे बाहर तो कुछ खा पी रहे होते होंगे, चीज़ें नीचे गिर जाती हैं। सो या अगर हम डैशबोर्ड पे देखें इस वक्त, तो वहाँ पे भी क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है हवा में भी, तो मट्टी जो है वो डैशबोर्ड पे काफ़ी है। इसी तरह एसी ग्रिल्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी काफ़ी डस्ट मुझे नज़र आ रही है। अगर मैं कंसोल बॉक्स की बात करूँ या मैं गियर बॉक्स की बात करूँ तो उसमें भी इस तरह है कि काफ़ी जो है मट्टी है, काफ़ी डस्ट है। हम दरवाज़ों की बात कर लेते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मट्टी है, काफ़ी रफ यूज़ हुई भी ऐसे ही कह रहे हैं आप। काफ़ी रफ यूज़ हुई है, असल में ये शीशे खुले रहे काफ़ी अर्सा जब गाड़ी खड़ी थी, तो जिसकी वजह से काफ़ी कंडीशन ख़राब हो चुकी है। सही है। व्यूअर्स, हसन ने हमें बताया कि शीशे जब खुले रहते हैं क्योंकि हमारा जो माहौल है वो इतना गंदा है, जो हमारी एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से भी गाड़ी जो है वो काफ़ी इफेक्ट होती है, उसमें काफ़ी गंदगी जो है वो बढ़ती है। अब हम पीछे से भी देख लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग जो है वो पीछे की सीट्स को कभी भी रिमूव करा के साफ़ नहीं कराते, तो आज हमने जो आपकी गाड़ी की पीछे जो पीछे वाली सीट्स हैं उनको भी रिमूव किया है, और यहाँ से भी सफाई होगी। और ये देख सकते हैं आपके निशान जो है ना वो जम चुके हैं, मट्टी नहीं है सिर्फ निशान ऐसे हैं जो जम चुके हैं और बहुत सख्त हैं। लेकिन फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि फिनिक्स के पास APC है, ऑल पर्पस क्लीनर, बड़ा स्पेशल किस्म का वो हमारा अपना प्रोडक्ट है जो हमारी अपनी लैब्स में तैयार होते हैं, तो वो आप देखेंगे कि बाद में ये बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। सो या अब हमारे वॉरियर्स जो हैं वो एक्शन शुरू करने वाले हैं, और हम देखते हैं कि आज जो है वो चैलेंज हम पूरा कर पाते हैं हसन का या नहीं। We'll be right back.
जी तो व्यूअर्स, हमारे वॉरियर्स ने अपना एक्शन कंप्लीट कर लिया है. अब हम हसन से जानते हैं कि वो सेटिस्फाई हैं या नहीं, और जो चैलेंज उन्होंने हमें दिया था हमने उसको फुलफिल किया है या नहीं. तो हसन, कैसा लग रहा है आपको गाड़ी की कंडीशन देखिए? गाड़ी की कंडीशन देखिए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द कंडीशन दैट दे हैव मेड. अच्छा, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं. अच्छा, शुरू में आपने बताया आप की जो कंसर्न था वो इंटीरियर का था, तो आप सेटिस्फाई हैं जो इंटीरियर की सफाई की गई है उससे? हाँ, इंटीरियर की काफ़ी अच्छी सफाई की गई है. बाकी सर्विस स्टेशन इस चीज़ को नहीं करते लेकिन काफ़ी डिटेल में काम हुआ. ठीक है जी. हसन कह रहे हैं कि नॉर्मल जो बाकी सर्विस स्टेशन होते हैं वो इतनी डिटेलिंग में जाके सफाई नहीं करते, और ये बहुत सेटिस्फाई हैं क्योंकि इनका कंसर्न ही ये था. अब मैं आपसे जानना ये चाहूँगी कि अगर आप हमारी सर्विस को रेट करें आउट ऑफ 10 तो कितना रेट करेंगे? मैं 10/10 रेट करूँगा. ठीक है जी. हसन ने हमें 10/10 रेट किया है. वजह मैं जानना चाहूँगी क्यों. वजह ये है कि काफ़ी अच्छी तरह साफ़ हुई है अंदर से बाहर से, और कहते हैं मैं काफ़ी खुश हूँ इस चीज़ से कि गाड़ी मेरी साफ़ हो गई है. ठीक है जी. हसन खुश हैं हमारी सर्विस से, उन्होंने हमें 10/10 रेट किया है. हसन, अगर आप रिकमेंड करेंगे हमारी सर्विस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में? जी, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ है और इसे प्रमोट करना चाहिए हमें कि आपके घर आके ऐसे आराम से काम करें. ठीक है जी. हसन कह रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को रिकमेंड करेंगे हमारी सर्विसेज. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. अगर आप हमारी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिए. हमें दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.